आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फूड लाइसेंस को आप कैसे रिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रिन्यू फी इन सेम एज न्यू लाइसेंस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, वैलिडिटी एंड डेट लिखनी है कैलेंडर में सेलेक्ट करने के बाद, देन कैप्चा कोड लिखना है, सबमिट करना है। तो ये सारा मैं करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देन आपके जो डिटेल्स हैं, आपका लाइसेंस है, वो आपको शो होने लगेगा। आप प्रोसीड पर क्लिक करिएगा, देन यस पे एक फॉर्म ए है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू अप्लाई, आप वन ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। अगर आप एक से ज्यादा ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आई डिक्लेयर्ड, सेव एंड नेक्स्ट। देन आपका मोबाइल नंबर लिख के आएगा, वो बस उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको प्रोसीड कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको जो रिन्यूअल फीस है या वन ईयर के लिए 100 रुपीज वो पे करनी है। तो जल्दी से मैं पे कर देता हूँ। आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है और पे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके सामने आ जाएगी रिसिप्ट आपके पेमेंट की। पेमेंट होने के बाद आपको 2 से 3 दिन इंतजार करना है। जैसे ही अधिकारी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करेगा आपका रिन्यूअल सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।